आप देख पा रहे होंगे ये रोपवे जो है वो रुक गया है और बहुत सारे लोग हैं जो अटके हुए हैं इसमें। तो बीच रास्ते में यहाँ पे एक जगह पड़ता है, ये इसका नाम है सिलाव। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, आप जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे एक मिठाई बहुत फेमस है, खाजा। तो हर दुकान में यहाँ पे आपको खाजा नज़र आएगा और ये काफ़ी अच्छा होता है। आप अगर आएँ यहाँ पे तो ज़रूर इस चीज़ को खाएं, बहुत ही यम्मी होता है। टिकट्स हमने ले लिया है और ऐसे ऐसे चार टिकट लिए हैं। टिकट्स यहाँ पे है 80 रुपीज़ का, तो आने और जाने दोनों के रोपवे का, और पीछे मेरे है हनुमान जी। ओके, अब हम रोपवे के लिए जा रहे हैं। ओके, अब हम रोपवे की लाइन में लग चुके हैं और वहाँ से लाइन शुरू हुई है और ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ तक आई है। ऑलमोस्ट 100-150 लोग तो होंगे और यहाँ पे बिना मास्क की एंट्री नहीं है। तो जो ये तीन मुस्तन लौंडे मेरे साथ थे, इन लोगों ने भी मास्क लगा लिया और मैंने भी मास्क लगा लिया। सो फाइनली हम विश्व शांति स्तूप पहुंच गए हैं। पीछे है, बहुत ही सही है। और उस साइड अगर जाएंगे हम तो एक जापानीज टेंपल है जो कि ये दर्शाता है कि इंडिया और जापान के बीच में कैसा रिलेशन था, एंड कल्चरल रिलेशन। और ये पूरा इधर जो एरिया है ये काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ नीचे एक बहुत बड़ी सी बेल है, ये आप नालंदा यूनिवर्सिटी अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पे भी उसके सामने वाले पार्क में ये बना हुआ है। तो मैं इस बेल की बात कर रहा था, इसमें चाइनीज़ या जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ है या फिर पाली लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़ा बेल है ये, देखने से छोटा लग रहा है बट काफ़ी बड़ा है, लाइक 8-10 फीट का तो होगा ही है। और अब मैं आपको
स्तूप दिखाता हूँ और वो मंदिर दिखाता हूँ। टेम्पल दिखाऊंगा और एक और मजेदार चीज है यहाँ पे, एक है पैसे का पेड़। इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, ना मोबाइल फोन अलाउड है, तो मैं इसकी इंटरनेट से कुछ फोटोग्राफ्स डालता हूँ। कितना सुंदर है ये, और अब मैं दिखाता हूँ वो पेड़ ऐसे वाला, तो मेरे साथ आओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे ये प्रेम भाई जो है फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, अक्षित भी, तो इनके पीछे ही पेड़ पैसे वाला पेड़ है। पैसे वाला पेड़ है, तब देखा आपने? नहीं। अरे ये है यार, देखो 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 देखो, इसके पूरे पेड़ में जितनी भी जहाँ भी लकड़ियाँ हैं सब में पैसा भरा हुआ है। आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है, बट ये जो है वो काफ़ी अलग है, पहली बार देखता हूँ। और यहाँ दो तीन चार पेड़ और हैं, उसमें भी सेम ही चीज़ है। और अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ इनके साथ बात करवाने का। तो अंकल आप कहाँ से आए हो? खुजली हो रही है? खुजली हो रही है अंकल? अंकल, अरे अंकल, 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 अंकल जी, अरे अंकल जी, अरे इधर अंकल, इधर देख लो एक बार अंकल, प्लीज अंकल, ओ अंकल, अरे देख लो यार इधर, नाराज हो क्या? हाय, हेलो आंटी, आंटी, हेलो आंटी, 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 गुड मॉर्निंग, हेलो आंटी, आप देख पा रहे होंगे ये रोपवे जो है वो रुक गया है, और बहुत सारे लोग हैं जो अटके हुए हैं इसमें। पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, बट ये रोपवे को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और बीच रास्ते में हम ये अटके हुए हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। हे भगवान,
पता नहीं कब स्टार्ट होगा। ओके ये अक्षित, ओके ओके अब ये स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, चलो सही है, थैंक यू सो मच भगवान जी। अब ये बीच में ना रुके कहीं, बस